Hey guys, welcome back. देखो मैग्नेट्स इतने फैसिनेटिंग चीजें हैं ना कि आज भी मैं अगर मैग्नेट से खेलता हूँ मुझे बहुत मजा आता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना टच के कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है, राइट? नाउ अभी एक बार हम अगर अपने आइडियाज को रिकैप करें कि आज तक हमने क्या सीखा. आज तक हमने ये सीखा है कि अगर कोई चार्ज ट्रैवल कर रहा है, इफ देयर इज अ चार्ज व्हिच इज ट्रैवलिंग, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है. एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर मूविंग चार्जेस है, ये लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं. सो दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे हाथ में एक परमानेंट मैग्नेट है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज अब तक का जो हमारा नॉलेज है, ओनली मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो हाउ डज ए मैग्नेटिक मटीरियल, सोचे परमानेंट मैग्नेट है तुम्हारे पास, वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत प्यारा सा डिस्कशन है. इट हैज गॉट वेरी सिंपल आइडियाज जिसके साथ तुम बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे. ध्यान से सुनो, ठीक है? तो तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कोई भी मटेरियल किससे बना हुआ होता है. मटेरियल को कौन बनाता है? एटम्स, राइट? बहुत सारे एटम्स मिलकर कोई मटेरियल बनता है. अभी ये बताओ कि एटम के अंदर कौन रहता है? एटम के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन क्या? सर्कुलर ऑर्बिट्स. कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, वो लोग मूव नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. सो कांट आई से, आई होप सो तुमने गेस कर लिया मैं क्या बोलने वाला हूँ. मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर मार रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग कॉइल. हमने ऐसा प्रॉब्लम्स कितना किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉइल है, सॉरी एक लूप है, एक लूप में एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है, इसके साथ हम कितना करंट एसोसिएट कर सकते हैं. मैंने तुमको बोला था हमेशा याद रखना चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इस लूप के साथ कितना मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है ये बताओ. तो सेम लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में गोल घूमता है, सो वी कैन ट्रीट इट टू बी ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एंड विद ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड. बात समझ में आया? दैट मीन्स उस मोशन के साथ हम कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर सकते हैं. देखो यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दिया है. एंड एट द सेम टाइम तुमको ये भी समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल घूमने के साथ साथ अपने एग्जिस्ट के अबाउट, अपने खुद के एग्जिस्ट के अबाउट भी क्या करता है? रोटेट करता है. बात समझ में आया? अपने खुद के एग्जिस्ट के अबाउट स्पिन करता है, एंड स्पिन मोशन के कारण स्पिन मोशन के लिए भी और एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. इस गोल घूमने के लिए हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन. और ये जो है स्पिन करने के लिए हम क्या बोलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक एटम के साथ मैं कुछ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर सकता हूँ, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को बनाने वाला कौन है? उस मैग्नेटिक मोमेंट को बनाने वाला is because of the orbital motion of the electrons, which is equivalent to a circular current carrying loop, and the electrons themselves, they rotate about their own axis, producing some spin magnetic moment, right? तो इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स को जोड़ने के बाद, रिजल्टेंट निकालने के बाद, हम एटम के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर सकते. सिंपल, अंडरस्टूड, राइट? तो देखो सीन क्या है कि यू विल अंडरस्टैंड दिस. ऐसा नहीं है कि हर टाइप ऑफ मटेरियल में जो एटम्स है हर किसी के पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा. ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसमें यू नो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सब मिला के जो रिजल्टेंट निकलता है वो जीरो निकलता है. ऐसे भी मटेरियल्स हैं कि एक पर्टिकुलर एटम के साथ, उस मटेरियल के सारे एटम्स को अगर मैं चेक करूँ तो हर एक एटम के साथ कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, एक दूसरे को हम अगर बैक्टेरिकली ऐड करके रिजल्टेंट निकालते तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो निकलता है. तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जहाँ पर जिनके एटम्स के साथ कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट नहीं होता. इनके बारे में हम थोड़ा बाद में जाके डिस्कस करेंगे. अभी हम ऐसे मटेरियल में फोकस करते हैं, ऐसे मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनके एटम्स के साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा, कुछ ना कुछ हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. देखो मैं तुमको ये एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल जाता है. तो ऐसे देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना होगा ना, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को
कैंसिल आउट कर देता है, दैट इज द रीजन हीलियम में, हीलियम एटम में अगर देखोगे, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच पेयरिंग हो जाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है. तो एज बिकॉज ऑफ दिस रीजन हीलियम एटम के साथ हमको मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट नहीं कर सकते. आई होप सो क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आया. लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, ऐसे बहुत सारे मटीरियल्स हैं जिनके एटम्स के साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हम एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है, अभी सुनना. ठीक है, अभी मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बहुत मजेदार एनालॉजी देने वाला हूँ. बिफोर वी स्टार्ट विद एनालॉजी, एक बात बताओ कि एक एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, राइट? एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एक एटम के साथ अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडमली अरेंज्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर मटीरियल. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि इस मटेरियल को देखो, हमने एक ब्लॉक इमेजिन किया है और ये जो तुमको छोटा छोटा एरोज दिख रहा है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो मैग्नेटिक मोमेंट, एक छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट को एसोसिएट मतलब रिप्रेजेंट करता है. बात को समझो, सिंपल है. अगर किसी मटेरियल के साथ तुम कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, कोई फाइनाइट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर पा रहे हो, तो तुमको ये समझ में आना पड़ेगा कि ओके फाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा बिकॉज इट हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट. बट अभी मैं कौन सा पॉइंट बताने वाला हूँ, अभी मैं तुमको ये पॉइंट बताने वाला हूँ कि यस, डेफिनेटली हर एक एटम के साथ, हर एक एटम के पास कुछ ना कुछ एक टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट होगा. देख रहे हैं ये छोटे छोटे एरोस, एक मटेरियल है, बहुत सारे एटम्स हैं एंड हर एक एटम के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट लिंक्ड है उसको हम लोग एरोस से रिप्रेजेंट किया है. सो यस, दैट इज करेक्ट. देर आर अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, बट इस बड़े से मटेरियल में इतने सारे एटम्स एंड ऑल द एटम्स आर सो रैंडमली अरेंज्ड, देयर टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स आर सो रैंडमली अरेंज्ड कि अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम लूँ और वॉल्यूम लेके ये निकालना चाहूँ कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ कितना मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है, आई थिंक सो यू कैन ईजिली गेस, बिकॉज ये रैंडमनेस वाला फंडा हमने बहुत यूज़ किया है कि अगर रैंडमली ओरिएंटेड होता है हमारे फैक्टर्स, उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है. इसका मतलब है कि हमने अगर यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम इमेजिन किया, इस वॉल्यूम के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट वैक्टर्स हैं, दिस वैक्टर्स आर सो रैंडमली अरेंज कि इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इवन दो हर एक एटम के साथ देयर इज अ टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, बट पूरे मटेरियल का कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है? डज द मटेरियल हैव अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट? द आंसर इज नो नो नो, देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस एंटायर मटीरियल. बात समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जब हम स्कूल्स में थे तो असेंबली होता था, राइट? अच्छा, असेंबली के लिए बेल बजता था, सो सारे बच्चे आते थे एंड यू नो ऑल द kids, you know, all the students, they place themselves in a very random manner, right? बहुत crowded होता था, सब लोग randomly इधर उधर भागते रहते थे, just like this tiny magnetic moments, as the way they are very randomly arranged, जब assembly शुरू होने वाला होता है, जब तक you know सामने teachers नहीं आते, क्या बोला मैंने, जब तक principal नहीं आता, जब तक teachers नहीं आते, right? तो सारे बच्चे assembly line में तो पहुंच जाते, assembly ground में तो पहुंच जाते, लेकिन they are very randomly arranged. बात समझ में आ रहा है? Just like this tiny magnetic moments. Is that clear? Try to relate, okay? अभी देखो, सोचो एक टीचर आया, पहला टीचर आया, राइट? खड़ा हो गया, सो व्हाट विल हैपन उस टीचर को देखने के साथ साथ, व्हाट विल हैपन टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स? नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट स्लोली स्लोली टू फॉल इन लाइन. बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे दे विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन. फिर साइड से एक टीचर आया तो साइड वाला ग्रुप भी अपने टीचर को देखता है, देख के थोड़ा डरता है. वो अलग बात है, तुम लोग डरते नहीं हो आजकल टीचर से, लेकिन हमारे वक्त में हम टीचर को देख के हमारा तो फट जाता था. स्पेशली कोई पीटी टीचर था यार, वो बहुत बहुत डेंजरस था, मतलब कहाँ से आके पीट देता था समझ ही नहीं आता. तो टीचर आने के साथ साथ क्या हो जाता है, जो साइड वाला ग्रुप है वो भी देख के धीरे धीरे लाइन बनाना चालू करता. दूसरे साइड से और एक टीचर आया और दूसरा ग्रुप भी क्या होता है, धीरे धीरे अच्छे से एक लाइन बनाना चालू करता. तो इस बात को समझो, ये जो लाइन बन रहा है दैट मीन्स हमारे असेंबली ग्राउंड में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ऑर्डरनेस बढ़ रहा है, दे आर गेटिंग अलाइंड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. धीरे धीरे लाइंस का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है. इज दैट क्लियर? और इसको करवाने वाला कौन, इसको करवाने वाला है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज टीचर्स. एंड तुम्हारा असेंबली लाइन कितना ऑर्डर्ड होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीचर्स दैट इज प्रेजेंट इन द असेंबली ग्राउंड. आगे टीचर, पीछे टीचर, साइड में टीचर, ऊपर टीचर, ऊपर मतलब हमारा स्कूल
थर्ड फोर्थ फ्लोर में होता था, ऊपर भी टीचर्स होते, ऊपर से भी देखते थे कि ठीक से लाइन में सब बच्चे बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए। तो जितने सारे टीचर्स होंगे राइट, उतना अच्छे से तुम्हारा लाइन बनेगा, लाइन का ऑर्डरनेस क्या होगा उतने अच्छे से इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो उस वो जो टीचर वाला फैक्टर है, टीचर वाला क्या करता है, ऑर्डरनेस बढ़ाता है। एंड कितना ऑर्डरनेस बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि असेंबली लाइन के आस पास कितने सारे टीचर्स है। द ऑर्डरनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स। एग्जैक्टली इन दिस फैशन, इन छोटे छोटे टाइनी बार मैग्नेट्स को तुम स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करो, और ये जो बी दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी सिनेरियो हम थोड़ा बदल रहे, ये ऐसा एक असेंबली लाइन था जहाँ पर कोई टीचर्स प्रेजेंट नहीं था, बी मतलब टीचर्स। अभी ये उसी असेंबली लाइन का सिनेरियो है, अब धीरे धीरे क्या है टीचर्स आना चालू किया है, दे आर अरेंजिंग द लाइन्स नाउ। सो बी जो है दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड। अभी अगर मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू बी मैग्नेटिक फील्ड पास करूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। तुमको एक पुराना कंसेप्ट फिर से रिविजिट करना, फिर से याद करना। मैंने तुमको हमेशा कहा था कि एम वेक्टर हमेशा अपने आप को किस तरफ अलाइन करना चाहता है, एम वेक्टर हमेशा अपने आप को बी वेक्टर के तरफ अलाइन करना चाहता है, जस्ट लाइक पी वेक्टर हमेशा अपने आप को ई वेक्टर की तरफ अलाइन करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अगर मैं इस मटेरियल के थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करूं, तो जितने सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट्स हैं, मतलब इन छोटे को बार मैग्नेट्स बुला रहा हूँ, इसलिए बुला रहा हूँ बिकॉज देयर इज सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस एटम्स। तो ये छोटे छोटे टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स ही अपने आप को क्या करेगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करना चालू करेगा, विच मीन्स इस मटेरियल में अभी धीरे धीरे ऑर्डरनेस आने वाला है, डिसिप्लिन आने वाला है, जैसे कि असेंबली लाइन में डिसिप्लिन आ रहा था। As the number of teachers are increasing, the discipline in the assembly line or the orderliness in the assembly line is increasing. धीरे धीरे अगर तुम इस magnetic field के strength को बढ़ाते जाओगे, तो इस particular material में जो magnetic moments का जो alignment है, जो placement है, जो orderliness है, वो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा, वो improve होते जाएगा। बात समझ में आया? अभी इस वक्त, अभी अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर एक volume imagine करें, और अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि सर इस वक्त जब हमने external magnetic field apply किया इसी volume में, क्या अभी कोई मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलेगा? एंड द आंसर विल बी यस। हाँ, डायग्राम में रैंडम तो दिख रहा है, डायग्राम इन्होंने ढंग से बनाया नहीं है, बट आई होप सो तुमको फील आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि इफ देयर इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी वॉल्यूम में अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इस वॉल्यूम के साथ क्या कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है, और उसका जवाब आएगा यस, देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट नाउ एसोसिएटेड विद दिस वॉल्यूम। Now, if I increase the strength of the magnetic field, B का वैल्यू अगर बढ़ाना चालू करूँ, अगर number of teachers बढ़ना चालू करें, principal भी आ गया, right? Class captain लोगों को भी भगा दिया पूरे assembly line में कि ध्यान से देखो line ठीक से बनाई नहीं बना, तो B का वैल्यू अगर increase करेगा, external factor, external teachers या motivating factor अगर increase करेगा, तो इस particular assembly line में भी orderliness increase होगा, तो इस material के अंदर भी क्या होगा, orderliness increase होते जाएगा, M vectors, सारे M vectors, they will start aligning themselves along the direction of B vector. The magnetic moment associated with any volume will also keep on increasing. बात समझ में आ रहा है? That means इस पूरे material का अभी resultant magnetic moment under the influence of this external magnetic field zero नहीं आएगा, non-zero आएगा. In this case, M is not equal to zero. Are you getting the point what I'm trying to say? अभी लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होता, और एक बहुत बढ़िया सा एक factor आने वाला है. अगर तुमको याद होगा जब मेरे टाइम में जब मैं डोनमॉस्को से पढ़ा हुआ, तो हमारे स्कूल तो बहुत बड़ा सा था, उसके सामने एक बड़ा सा फील्ड हुआ करता था, वहाँ पर असेंबली लाइन हो जाता, और स्पेशली समर्स के टाइम में ना, सुबह को भी असेंबली होता था, दोपहर को भी असेंबली होता था, एंड स्पेशली दोपहर के टाइम में जब पूरा हीट होता था, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता था कि इवन दो देयर आर टीचर्स प्रेजेंट अराउंड, इतना गर्मी होता था कि उस असेंबली लाइन में बच्चे इतने रेस्टलेस हो जाते थे, कि हम लोग इतना रेस्टलेस हो जाते थे गर्मी के चक्कर में, कि डिसऑर्डरनेस फिर से इंक्रीज हो जाता, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, किसी का खड़े खड़े पैर दुख किया वो बैठ जाएगा, किसी को गर्म लग रहा है वो हाथ से हवा दे रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट एक एनालॉजी दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो असेंबली लाइन का डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा बोला जाए कि असेंबली लाइन में कितना ऑर्डरनेस होगा, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि कितने सारे टीचर्स प्रेजेंट हैं, एंड इस पे भी डिपेंड करता है कि आज दिन का टेम्परेचर कितना है। जितना ज्यादा टीचर्स है उतना ज्यादा ऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा धूप होगा उतना डिसऑर्डरनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा।
एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर तुम कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि इस बार मैग्नेट में जो तुमको मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो क्वांटिटी है या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसको हम बढ़ाए कैसे या ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो तुम्हारा सबसे पहला जवाब होगा कि देख भाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मैग्नेटिक फील्ड। तुम जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट इस वॉल्यूम में बढ़ता जाए, दैट इज अंडरस्टूड। बट एट द सेम टाइम अगर तुम इस मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, क्या होगा, इस मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, हम सबको पता है कि किसी मटेरियल का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पेशली एटम्स का जब टेम्परेचर बढ़ना चालू करते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्या करते हैं ये लोग, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड विद द स्टार्ट वाइब्रेटिंग वो जो एम वेक्टर जो अच्छे से अलाइन हुए थे ना, ये लोग भी यू नो वाइब्रेट करना चालू करते हैं, और वाइब्रेट करने से उनका जो अलाइनमेंट है उस पे इफेक्ट गिरता है, थोड़ा डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होना चालू होता है, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा डिक्रीज होना चालू होता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाना चाहता है, टेम्परेचर मैग्नेटिक मोमेंट घटाना चाहता है, ठीक है। तो अगर हमको यू नो मैग्नेटिक सैचुरेशन अटेन करना है, अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा सर मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब क्या, सैचुरेशन तो तुमने पढ़ा होगा कि हम एक ग्लास में यू नो नमक मिलाते रहते टाइम के बाद, और नमक डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब जितना डिजॉल्व होना था उतना हो गया, उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब क्या है कि जितना मैग्नेटिक मोमेंट हो पाता इस मटेरियल के साथ एसोसिएट, जितना मैग्नेटिक मोमेंट इस मटेरियल में हो पाता उतना मैग्नेटिक मोमेंट तक पहुँच जाना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। दैट मीन्स अगर तुम इस मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाना चाहो तो तुमको कैसा यू नो एनवायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, जो मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट को फेवर करता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू को घटाता है उसको घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट मैग्नेटिक सैचुरेशन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड लो टेम्परेचर्स the material will nearly obtain magnetic saturation. Is that clear? At very high magnetic field at low temperature, the material will obtain magnetic saturation. Are you getting the point where I'm trying to say? बहुत बढ़िया सा idea है, इस diagram को बना कर रखना, मैं तुमको मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख कर भी रखा है, तो एक बार यहाँ पर pause करो, इस चीज़ को लिखो, मैंने कहा जी magnetic intensity, ये topic चल रहा है in this case. पॉज करके इसको लिख के रखो, ये थ्योरी को और इस डायग्राम को भी अच्छे से बना के रखना, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने कहानी डिस्कस किया उसको एक्सटेंड करते हैं, बहुत प्यारा सा पिक्चर है यार, मुझे तो ये पिक्चर्स देख के बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो कि मैंने बहुत यू नो मेहनत से पूरा इंटरनेट ढूंढ के अच्छे अच्छे पिक्चर्स इंक्लूड किया, बिकॉज मेरे को लगता है यार अच्छे पिक्चर्स से तुम जितना फील ला पाओगे ना वो सिर्फ बोल के नहीं दिलवा सकता मैं। आई डोंट नो तुमको मज़ा आता है नहीं आता है, इफ यू रियली एंजॉय प्लीज लेट मी नो, गिव मी ए कॉमेंट, एटलीस्ट आई विल नो कि तुम लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट ना, मतलब स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी समझना इतना डिफिकल्ट है, इट्स ए बिग मिस्ट्री टू मी। और कभी कभी ऐसा लगता है यू नो कि एक बार कैरियर खत्म होने के बाद ना अगर मैं मिस्ट्री सॉल्व कर लेता हूँ कि स्टूडेंट साइकोलॉजी कैसा होता है, मैं उसमें बुक लिख दूंगा, मतलब प्रॉपरली, मतलब बहुत ज़रूरी है। यू नो मैं व्हाट्सएप में मैंने आज ही, पता नहीं तुम इस वीडियो को कब देखोगे, मैंने आज ही एक मैसेज भेजा था कि यार एक बार बताओ कि तुम लोगों का मार्क्स क्यों कम आ रहा है, इतना ख़राब क्यों आ रहा है। एक बंदे ने भी रिप्लाई नहीं किया यार, एक स्टूडेंट ने भी रिप्लाई नहीं किया, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। फिर भी अगर मैं अपने आप के साथ कंपेयर करूँ यार, अपने टाइम में जब मेरे टीचर्स होते थे और मेरे टीचर कोई कुछ बोल दे कि नहीं भाई ऐसा क्यों है, इंस्टेंटली जवाब देते थे कि सर देखो ऐसा है या कुछ भी है, वेर ऑलवेज इन दियर इन टूज। बट पता नहीं यार, सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बाकी बैचेस में भी देखा है, बाकी जगहों पर भी देखा है, जिस लेवल ऑफ कनेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट एंड टीचर के बीच, पता नहीं यार उतना कनेक्शन नहीं बनता। एंड स्पेशली इस वक्त जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कनेक्शन रहना और भी ज़रूरी है। बट सरप्राइज्ड यार, आई डोंट नो, मे बी ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा फॉल्ट है, मैं बस साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ कि क्या है, व्हाट्स द सीन। कुछ पूछा जाता है कि कोई कुछ जवाब क्यों नहीं देता, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कैसे। वी आर ह्यूमन बींग्स राइट, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स राइट, दैट इज द रीजन वी स्टे हैप्पी, यू नो वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन शेयर अवर जॉय, वी कैन शेयर अवर सॉरोस। बट यार आई डोंट नो यार, आई लव टू कम्युनिकेट विद माई स्टूडेंट्स, बट चलो कोई नहीं,
कभी ना कभी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऐसा है कि। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसा है, देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, आई होप से तुमको ये समझ में आ रहा है ये क्या है। ये बहुत सारे एटम्स है, एटम्स के अंदर जो टाइनी टाइनी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उन मैग्नेटिक मोमेंट्स को हमने एरो से एक्सप्रेस किया। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इस मटीरियल के थ्रू अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रहा, तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है रैंडमली अरेंज, इनका रिजल्ट है मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी अगर मैं इस मटेरियल को देखूँ, स्पेशली दिस मटेरियल, ध्यान से देखो, बड़ा बड़ा एक वाइट एरो तुमको दिख रहा है। ये वाइट एरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये सारे जो एटम्स हैं और सारे एटम्स के जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट हैं, वो उन असेंबली लाइन के अच्छे बच्चों जैसा क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर देगा। ये तो बहुत एक परफेक्ट पिक्चर है। एक बात बताता हूँ कि रियल लाइफ में इतना परफेक्ट अलाइनमेंट अचीव करना इम्पॉसिबल है। परफेक्शन तो है ही नहीं यार रियल लाइफ में कभी भी। तो ये तो जस्ट डायग्राम है, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया कि नहीं परफेक्ट अलाइनमेंट दिख रहे, बट हमेशा इस बात को याद रखना कि परफेक्ट अलाइनमेंट मैग्नेटिक सेचुरेशन में भी इतना अच्छा अलाइनमेंट तो कभी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। फिर भी डिस्कशन के लिए चलता है, हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जितने सारे टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली एसोसिएटेड, दे आर बेसिकली पॉइंटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ध्यान से देखो, देखो ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो सारे एटम्स हैं, अभी इनका अगर मैं एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, वो कुछ निकलेगा, इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, एंड इफ इट हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट, इट मींस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सब लोग मिला के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इंटरनल। बिकॉज देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो तरीके के हैं। एक तो ये बड़ा वाला एरो दिख रहा है, ये तो हो गया बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, और एक नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि ये सारे जो अंदर के जो यू नो टाइनी बार मैग्नेट्स को दिख रहा है, टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स दिख रहा है, ये सारे लोग मिलके फिर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, राइट। ये लोग दे विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सिनेरियो में अगर ये सोचे कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, क्या बोला मैंने, ऐसे सिनेरियो में अगर ये सोचे कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर के रिस्पेक्ट में उसका जवाब होगा कि सर बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड था, अंदर मटेरियल के अंदर उससे ज़्यादा फील्ड होगा, उससे ज़्यादा फील्ड होगा, बिकॉज अंदर का जो फील्ड है वो बाहर वाले फील्ड का एंड इंटरनल फील्ड का क्या आएगा, समेशन आएगा। दैट मीन्स मटेरियल के अंदर फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मटेरियल के बाहर सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तो वो फील्ड कम होगा। देखो एक बहुत प्यारा सा पिक्चर है, देखो मटेरियल के अंदर द फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, विच मीन्स यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड बाहर देखो द फील्ड लाइन्स आर वाइडली सेपरेटेड, विच मीन्स यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। अंदर ज़्यादा होने का मतलब है कि अंदर का जो रिजल्टेंट फील्ड है उसको बनाने वाला इंटरनल फील्ड भी है एंड एक्सटर्नल फील्ड भी है। बात समझ में आया। अभी अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टीचर का काम कर रहा था, प्रिंसिपल का काम कर रहा था, याद है ना, ये टीचर प्रिंसिपल्स लोग ऑर्डरनेस मेंटेन कर रहे थे, उसको अगर मैं हटा दूं तो देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड हटाने के साथ साथ क्या हो गया, फिर से ये सारे जो मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं ये फिर से क्या हो जाती है, फिर से रैंडमाइज हो जाते, ठीक है, फिर से रैंडमाइज हो जाते। लेकिन एक बात बता के रखता हूँ, हमेशा रैंडमाइज नहीं होता। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें रैंडमाइज होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ पर रैंडमाइज नहीं होता, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिलहाल ये जो ग्रुप ऑफ मटेरियल्स है, इस ग्रुप ऑफ मटेरियल्स को हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, और ये जो टेंडेंसी है इन मटेरियल्स का, जो टेंडेंसी है टू इंक्रीज द फील्ड इनसाइड देम, ये जो इनके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो जो बढ़ गया है, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। इस टेंडेंसी को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस टेंडेंसी इज व्हाट, पैरा मैग्नेटिज्म। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, we are talking about magnetic materials. हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी मैग्नेटिक मटीरियल्स को बांट रहे हैं। जैसे क्लास में बांटते हैं ना, कोई पढ़ाई में टैलेंटेड है, कोई गाना गाने में टैलेंटेड है, कोई नाचने में टैलेंटेड है, कोई मस्ती करने में टैलेंटेड है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग मैग्नेटिक मटीरियल्स। बात समझ में आया। तो सबसे पहला बारी आया है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स का, एंड पैरा मैग्नेटिज्म इज बेसिकली फिनोमिनन। इस फिनोमिनन में एक पैरा मैग्नेटिक मटीरियल अपने अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये डायग्राम को अच्छे से बना के रखना। देखो मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत से ये लाइन्स लिख कर रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस द एटॉमिक डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल प्रोड्यूसेस एन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फील्ड, दिस टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड
is called as paramagnetism. Is that clear? पक्का इसको इसको भी अच्छे से लिख के रखो. अभी हम और एक इंटरेस्टिंग मटेरियल को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस मटेरियल को ध्यान से देखो, और अगर तुम इस मटेरियल को ध्यान से देखोगे, देखो ये एक डिपार्टमेंट है, ये भी एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है, ये भी एक बड़ा सा डिपार्टमेंट है, और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स वहाँ समझ में. जैसे कि पर्टिकुलर ऑफिस, बड़ा सा ऑफिस होता है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ और लोग होते हैं, और उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग सब लोग मिलकर एक ही काम को हैंडल करते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से एक बड़ा सा ऑफिस है जिसमें अलग 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 डिपार्टमेंट्स बना हुआ है, और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने सारे एटम्स हैं उन सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है. इस डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं सब एक ही, सबका सिर्फ जो मोटिव है वो एक ही है, एक ही काम को कर रहे हैं. एग्जैक्टली इन द सेम फैशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने सारे एटम्स हैं उन एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट सबका एक ही डायरेक्शन है. ये जो डिपार्टमेंट है इसका ऑफिशियल नेम क्या है? डोमेन. इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज डोमेन. याद रखना, मैंने लिख के भी दिया है, इसको हम डोमेन बुलाते हैं, ठीक है? दैट मीन्स एक डोमेन में जितने सारे एटम्स हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो ये और एक डिपार्टमेंट है, और इसमें जितने सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, जितने सारे एटम्स हैं, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन. तो ये जो पर्टिकुलर मटीरियल है जिसको हम बुलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल. क्या मटेरियल बुलाते हैं हम इसको? इसको हम बुलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो स्पेशलिटी है, जो डिफरेंस, वो ये है कि उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बने हुए रहते हैं, डोमेन्स बने हुए रहते हैं, और डोमेन्स में हर एक एटम का, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जितने सारे एटम्स हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है? तो अभी मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ओके फाइन, अभी तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या इस पूरे मटेरियल के साथ जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा, क्या वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? विल इट बी इक्वल टू जीरो और विल इट बी नॉट इक्वल टू जीरो? इस मटेरियल में हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इस मटेरियल में क्या कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस मटेरियल का या नहीं होगा, ये बताओ. द आंसर इज इस मटेरियल के साथ कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट नहीं होगा. There will be no magnetic moment associated with this material. And the reason is, yes, there are a lot of departments, there are a lot of domains. अरे एग्जाम में डिपार्टमेंट मत लिखना, इसको डिपार्टमेंट नहीं बोलते, ये मेरा तरीका है बोलने का, ताकि तुमको ज़्यादा फील आए. ऑफिशियल वर्ड के ऑफिशियल वर्ड है डोमेन. यस, इसमें इतने सारे डोमेन्स हैं, लेकिन द डोमेन्स themselves आर रैंडमली अरेंज्ड. जो डोमेन्स हमको दिख रहा है ये themselves आर रैंडमली अरेंज्ड, और सारे डोमेन्स के मिला के अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं इसका भी वैल्यू क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है. बात समझ में आया? दैट मींस इन दिस केस आल्सो इवन दो देयर इज अ डोमेन अरेंजमेंट, बट ओवरऑल ऑल द डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस आल्सो विल बी जीरो. सो कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ट्विस्ट ये आएगा कि अभी अगर मैं, ध्यान से सुनना, अभी अगर मैं इस मटेरियल के थ्रू एक्सटर्नल फील्ड पास करता हूँ, ये तुमको तीन पिक्चर दिख रही है, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल, एक सिंपल मॉडल है जिसको हम यूज़ करके मैं तुमको समझाने का कोशिश करूँगा. जैसे कि बड़ा सा मटेरियल है और यहाँ पर चार डिपार्टमेंट्स है, एक दो तीन चार, चार डोमेन्स है, और ध्यान से देखो इन चारों डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये रैंडमली अरेंज, और इन चारों को मिला के अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पूछूं तो इन दिस केस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा. ये एक सिंपल मॉडल है तुमको समझाने के, ठीक है? अभी अगर मैं इसी मटेरियल के थ्रू एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास कर दूँ, दिख रहा है ये बी हो गया हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज अवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करने के वक्त जब ये पास होता है, जब इसको हम अप्लाई करते हैं, तो इस मटेरियल में क्या चेंजेस आता है वो बता दो. दो अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? पहला चेंज ऐसा हो सकता है कि जिस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोला मैंने, जिस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के तरफ है, ध्यान से दिख रहा है, ये देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ये बी वेक्टर के तरफ ही है, तो ये जो डोमेन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बी वेक्टर के तरफ है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और बाकी डोमेन्स का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ध्यान से देखो ये जो है डोमेन ग्रोइंग लिखा हुआ है,
इस डोमेन का साइज बढ़ गया और इस डोमेन का साइज क्या हो गया, घट गया, तो ओवरऑल इस पूरे मटेरियल के साथ इन दिस केस द मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं निकालूंगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो डोमेन का साइज बढ़ गया मतलब यू नो इसके साथ जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, मोर नंबर ऑफ एटम्स विल कम इन दिस डोमेन, सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस विल नॉट बी कैंसल्ड आउट एज इन द अनमैग्नेटाइज स्टेट एंड यस देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड। बात समझ में आया, देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। या और एक प्रोसेस भी हो सकता है, यू नो कुछ मटेरियल्स में ये भी प्रोसेस देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करूँ तो जितने सारे डोमेन्स उस डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को बी वैक्टर की तरफ अलाइन करना चाहेगा। देखो ये वाला तो ऑलरेडी बी वैक्टर की तरफ था, ध्यान से देखो ये वाला जो है अगर बी वैक्टर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये किधर, बी वैक्टर को अगर हमने इस तरफ अप्लाई किया तो ये घूम के इधर जाना चाहिए इस तरफ, तो देखो थोड़ा टिल्ट हो गया, पहले तो ये पूरा ऐसा था अभी थोड़ा ऐसा हो गया, टिल्ट हो गया। बात समझ में आ रहा, देखो इनिशियली जब वो ऐसा था इसका एक भी कंपोनेंट, ये पर्पल कलर का एरो देखो, इस पर्पल कलर के एरो का एक भी कंपोनेंट बी की तरफ नहीं आया, लेकिन खुद सोच के देखो कि अभी अगर ऐसा है इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट मीन्स इसका इस मैग्नेटिक मोमेंट का एक कॉम्पोनेंट बी वैक्टर की तरफ है। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर। मैं इसको देखो ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, पूरे हमारे बी वैक्टर को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट अपोज कर रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, बी वेक्टर ऊपर की तरफ है एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन अभी तब ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ध्यान से देखो थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ये पूरा मैग्नेटिक मोमेंट बी को अपोज नहीं कर रहा, इसके कंपोनेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट बी को अपोज कर रहा है एंड कंपोनेंट का वैल्यू एक्चुअल वैक्टर से तो कम ही होगा, दैट मीन्स पहले जितना अपोजिशन था, पहले जितना अपोजिशन था अभी वो अपोजिशन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, इसका एक कॉम्पोनेंट ही इस बी वैक्टर का अपोजिट है। सिमिलरली ये देखो ये घूम के इसका एक भी कॉम्पोनेंट जो है बी वैक्टर की तरफ नहीं आ रहा था, बिकॉज ये इनिशियली ऐसा था, इसका एक भी कॉम्पोनेंट बी वैक्टर की तरफ नहीं आ रहा था, अभी जब ये थोड़ा सा बेंड हो गया, दिख रहा है ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इसका भी एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा जो कि बी वैक्टर की तरफ है। सीधा सीधा सिंपली बोलना चाहूँ तो दूसरा प्रोसेस ऐसा हो सकता है जहाँ पर हर एक डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को किस तरफ अलाइन करना करने का कोशिश करेगा या करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इज दैट क्लियर। और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम डोमेन अलाइनमेंट बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डोमेन अलाइनमेंट। इसका इसका इसको पॉज करो, इस पिक्चर को अपने नोट की एक तरफ लिखो, बिकॉज दूसरी तरफ तुमको यू नो लाइन्स लिखना है, इस डायग्राम को एक तरफ बना के रखो, ठीक है, बना लिया, अभी इसको इसको अच्छे से लिख करो, अभी पॉज करो, पॉज करके फेरोमैग्नेटिज्म, इस फिनोमेनन को फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, पॉइंट्स लिखो 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, पॉज करके लिख लिया, अभी आगे बढ़ के अभी तुम ये लिखो 7 से लेकर 8 तक, ये वाले पॉइंट्स अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा मैं तुमको, देखो सब मानोगे ना, क्लास में सारे बच्चे बदमाश होते हैं, आई एग्री टू दैट, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं यार जिनको तुम एक बार मोटिवेट कर दो, राइट, एक बार मोटिवेट कर दो तो मोटिवेट हो जाते हैं, दे स्टे मोटिवेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में तुम लोग सब बैठे हुए, मैं आके तुमको असाइनमेंट दे के जाता हूँ, हाँ असाइनमेंट देता हूँ, बोलता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन इसको बैठ के करो, मैं 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, जब मैं निकल जाऊँ तो क्या होगा बताओ, आई नो वट विल हैपन, राइट, यू विल ऑल्सो नो वट विल हैपन, मेजोरिटी ऑफ द क्लास वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो मस्ती करेगा बैठ के, रैंडम हो जाएगा फिर से, राइट, ऑल द किड्स विल बिकम रैंडम, इधर कूद रहे होगे, यू नो गाना गा रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, कूद रहा होगा, कोई मार रहा होगा किसी और को, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उन प्रॉब्लम्स को बैठ के सॉल्व करेगा, समझ में आया, there will be few students who will still maintain their alignment, who will still maintain their focus and do their job, बात समझ में आ रहा, try to understand, जब मैं क्लास में नहीं आया था तो पूरा क्लास रैंडम था, मैं हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्लास में सारे जो तुम लोग बच्चे हो, यू आर ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड एज लॉन्ग एज आई डिड नॉट एंटर द क्लास ऑल ऑफ यू वेर रैंडमली अरेंज, सो उस पूरे क्लास का जो फोकस था, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट में कह रहा, सिमिलरली उस पूरे क्लास का जो फोकस था, फोकस वो फोकस क्या हो गया, वो फोकस बहुत कम, बात समझ में आया मैंने क्या कहा, वो फोकस बहुत कम है इन दिस केस। अभी जब मैं क्लास में आ जाऊंगा, मैं ऑर्डरनेस ला दूंगा, सबको ऑर्डर कर दूंगा, धमकाऊंगा, डांटूंगा, राइट,
एक एक जूनियर फैकल्टी को भी लेके पीछे बिठाऊंगा कि नहीं भाई देखो कोई बात कर रहा है ही नहीं कर रहा, तो वो भी देखेगा तो क्लास में पूरा ऑर्डरनेस आ जाएगा। फिर मैं दो प्रॉब्लम दूंगा कि बोलो करो इसको, ठीक है ना। फिर मैं और जूनियर लेक्चरर दोनों निकल के चले जाते हैं, तो क्या होगा, जाने के साथ साथ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी चुपचाप बैठ के फोकस करके उस प्रॉब्लम को करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत उस क्लास में अभी भी ऑर्डरनेस रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में जितना डिसऑर्डरनेस था, एक बार मैं अगर क्लास को ऑर्डर करके निकल भी जाता हूँ तो उस क्लास में थोड़ा बहुत ऑर्डरनेस, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट, थोड़ा बहुत डेडिकेशन रह जाएगा। कुछ बच्चे तो बैठ के उस प्रॉब्लम को करेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स में, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें ये देखा गया है, ये देखा गया है कि इस मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसके हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। हिस्ट्री का मतलब यह है कि क्या मैंने इस मटेरियल के थ्रू कभी मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया था, क्या मैंने इस मटेरियल के थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया था। अगर मैंने कभी भी इसके थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया, अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दूँ, तो कुछ ऐसे डोमेन्स होंगे जो अभी भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना अलाइनमेंट मेंटेन करके रखेंगे। क्या बोला मैंने, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दूं, फिर भी कुछ डोमेन्स अपना अलाइनमेंट, जिस तरफ इन्होंने अपने आप को अलाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड होते वक्त, जब मैग्नेटिक फील्ड था उस वक्त इन डोमेन्स ने अपने आप को जिस तरफ अलाइन किया था, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये मटेरियल्स अपना अलाइनमेंट उस तरफ मेंटेन रखेंगे। दैट मीन्स इवन दो आई रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड, इस मटेरियल का अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट चेक करूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एंड दे विल बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट्स, दे विल बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट्स, दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली, बिकॉज देर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस मटीरियल। समझ में आया, परमानेंट मैग्नेट्स को इस तरीके से बनाया जाता है। इसके ऊपर अलग से एक यू नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है, मैं अलग से करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे के रख रहा हूँ मैं। मैंने ये चीज को यहाँ पर लिख के रखा, ध्यान से देखो। देखो ऑल्सो देखो, वेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, एल्निको एंड अलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर इज वन सच मटेरियल। ठीक है ना, ये लिख के रखा है। और देखो कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जिसमें हमने यू नो एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के साथ साथ पूरा सारे डोमेन्स फिर से रैंडम हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट्स, एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लोड नहीं लेने का, मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे जाके डिस्कस करूँगा। अच्छा, यहाँ पर और एक छोटा सा चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था, एक मिनट हाँ, जस्ट वेट, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहूँगा जो आगे जाके हमको चाहिए होगा। We define a term called as magnetization. मैं तुमको लिख के देता हूँ, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो इस चीज़ को लिख के रखना, सिंपल है। We define a term called as magnetization. ठीक है, तुम्हारे NCERT के बुक में इसको बेसिकली M वैक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। That is defined as magnetic moment. पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे करके डिफाइन किया गया है, दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये नेट है भाई साहब, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर टर्म को याद रखना, ये तुमको ये बताएगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास कोई बार मैग्नेट है, राइट अंडरस्टैंड, सोचो तुम्हारे पास कोई बार मैग्नेट है ना। इसका लेंथ हमने एल मान लिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए मान लिया, मैग्नेटिक चार्जेस का फंडा याद है ना, प्लस एम माइनस एम। अच्छा चलो इसको 12 लेता हूँ, बिकॉज मैंने हमेशा 12 लिया था। तो इस बार मैग्नेट का अगर मैं मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करना चाहूँ, या इन दिस केस मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं इसका मैग्नेटाइजेशन, या अगर मैं एम वैक्टर कितना है वो लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज 12, डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन दिस केस क्या हो जाएगा, दैट इज ए इंटू 12। ठीक है ना, ए इंटू 12, देखो टीवल 12 चला गया, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम बाई ए लिख सकते हैं, सॉरी दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया है, इस चीज़ को याद करके रखना। फिर से कह रहा हूँ कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसी को ही हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं।
यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, डन, फाइन, इस चीज को लिख के रखो। याद है ना मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था कि ऐसे भी मेटेरियल्स हैं कि उनके जो एटम्स हैं उनके पास कोई इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, बिकॉज सारे जो रिजल्ट मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। हीलियम एटम का कहानी बताया। तो अभी हम ऐसे मटेरियल्स के साथ डील करेंगे जिनके इंडिविजुअल एटम्स के साथ कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड नहीं होता। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं हम? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स में होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे मटेरियल्स में होता क्या है कि अगर ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम इसके थ्रू एक्सटर्नल फील्ड पास करते हैं, क्या पास करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ क्या इंड्यूस होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से सुनना, मोमेंट इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, किस तरफ इंट्रोड्यूस होता है? दे आर इंट्रोड्यूस्ड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट टू अंडरस्टैंड, दैट इज इंटरेस्टिंग। जैसे कि इस, ध्यान से देखो, ये मैंने एक यू नो लूप बनाया, करंट कैरिंग लूप, एक्चुअली जस्ट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस। ध्यान से देखो, इसका जो एम वेक्टर है, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एम वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसके साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है? दिस इज एम वेक्टर, मतलब जो एरो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। इनफैक्ट मटीरियल में जितने सारे मैग्नेटिक मोमेंट यू नो इंड्यूस होंगे वो क्या होता है? वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों इंड्यूस हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में क्यों इंड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, इसका रीजन जो है वो लेंस लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं। लेंस लॉ मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं कि मैं तुमको ये समझा पाऊँ। तो अभी तो तुमको इसको ऐसे कहानी ही तुमको याद रखना पड़ेगा। EMI के चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम लेंस लॉ डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि लेंस लॉ से ये आइडिया कैसे एक्सप्लेन होता है। बट अभी के लिए ये तुम्हारे लिए कहानी है, फैक्ट है, इसको याद रखना कि इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस तो होता है बट द एरोस आर पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विच मीन्स दिस एरोस आर नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वॉट विल हैपन टू द रिजल्टेंट फील्ड इन साइड द मटीरियल? द रिजल्टेंट फील्ड इन साइड द मटीरियल इन दिस केस विल बी लेस than the external magnetic field, because अंदर external magnetic field को internal magnetic field क्या कर रहा है? oppose कर रहा है। तो अंदर का field का strength बाहर के field के respect में क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा। देखो इसका field line diagram बहुत प्यारा सा diagram है। देखो बीच के region में field lines का density देखो बहुत ही कम है, they are very largely spaced, because यहाँ पर resultant field बाहर के field से क्या है? कम है। बाहर देखो field का density क्या है? ज़्यादा है। लेकिन अंदर field का density क्या है? अंदर field का density कम है। The resultant magnetic field in such material is lower than the applied field. This phenomenon is called as diamagnetism and the material as diamagnetic materials. ठीक है? अच्छा, मैं ना इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करूंगा, लेकिन इसका ही यू नो कहानी आगे जाके मैं लूंगा और थोड़ा ये वाले आइडियाज फिर से रिपीट होगा, फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। फाइन, सो डन, टेक केयर, बाय।